तो यही सही मौका है MP40 को मैक्स करने का। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को इवो MP40 मैक्स लेवल का करके दिखाने वाले। यहाँ तक हमने लेवल 5 का किया, हम लोगों का टोटल जो डायमंड लगा वो लगा है 6000। तो 6000 से हम लोगों को आगे और भी डायमंड वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों का मैक्स होगा। और ऐसे में मैंने रिसेंटली FF टोकन से कूपन मैंने बाय किए है, तो भाई साहब यही सही मौका है हमारा MP40 को मैक्स करने का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़े टोकन ले लेते हैं, क्योंकि उससे तो मैक्स होने वाला है, क्लियर सी बात है। क्रेट बाय करते हैं, क्योंकि क्रेट में कभी कभार होता है कि हमारे लग बाय चांस ज्यादा भी हम लोगों को टोकन मिल जाता है। तो यहाँ से मैक्स करके हम बाय करते और देखते। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले मेरे पास 3000 में डायमंड वेस्ट करूंगा, तो 600 डायमंड का मेरे पास डिस्काउंट कूपन है। तो मतलब 3000 डायमंड ही मुझे यहाँ से वेस्ट करना है, तो 600 वाला यूज हो जाएगा। तो ऐसे देखो मैं 3000 डायमंड वेस्ट करता हूँ, 3000 ऊपर 40 वेस्ट करते तो मेरा 600 वाला लग चुका है। यहाँ से देख लो मेरा नॉर्मली कितना लगता है, मेरा लगता है 3640, वो मुझे पड़ रहा है सिर्फ 3040 में। 600 डायमंड का फायदा होने वाला है। तो 91 क्रिएट लेके ओपन कर रहे, 3000 में कितने टोकन हमें मिलता है, तो ओपन करते एक साथ और देखते। तो 333 टोकन मिल चुके हैं, OMG 333 टोकन हम लोगों को सीधा मिला है। तो चलो फटाफट जाते इवो के अंदर और यहाँ से जाते MP40 के अंदर। ये रहा हमारा MP40। तो लेवल 6 का होने के बाद भी हमारे टोकन यहाँ बचने वाले हैं, तो पहले तो लेवल 6 का कर लेते। तो चलो लेवल 6 का फाइनली हो चुका है हमारा, और इसका न्यू लुक देखो आप लोगों को, न्यू कंटेंट अनलॉक हुआ है जिसके अंदर न्यू लुक गैना ने हमें दिया है। तो ये देखो ये न्यू लुक और कुछ बोनस डैमेज भी हम लोगों को पड़ा है, वो आगे हम टेस्ट करके आपको दिखाते। लेकिन अब जाना है हमें लेवल 7 पे। लेवल 7 का अभी भी हम लोगों को लॉक दिख रहा है और इसको हम सीधा ओपन करने जाएंगे, तो हमारे 3060 डायमंड यहाँ लगने वाले। लेकिन हम लोग ये काम बिल्कुल ही नहीं करने वाले, वापस हम वही जो स्टाइल से लिए थे वही टोकन लेंगे हम 3000 के, और देखते हमें कितना फायदा होता है। तो चलो पहले इसको मैक्स कर लेते, और इसको मैक्स करूंगा तो मेरे पास से पहले से M10 मैक्स था, AK40 मैक्स है, और अब हम लोगों का MP40 जो मैं आज करके आप लोगों को दिखाने वाला। तो वापस वही स्टाइल से क्रिएट पे जाते फटाफट, और ये रहा हमारा क्रिएट। तो क्रिएट कहां गया, ये रहा क्रिएट। तो वापस हम लोग इस बार मैक्स नहीं बाय करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा टोकन की जरूरत नहीं है। तो हम यहां से 50 बाय करते, तो 50 पे कितना डिस्काउंट हमें मिलता है वो देख लेते। तो 2000 हम वेस्ट करेंगे, तो 2000 पे हम लोगों को 350 डायमंड ऑफ मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत ही जहर बात है। तो इसको हम कम करेंगे तो अच्छा, तो फिर डिस्काउंट नहीं चलेगा, तो हम लोगों को 2000 वाला डिस्काउंट लेना ही है 350 डायमंड का। तो 50 क्रिएट बाय करते और कितने मिलते देख लेते। तो 50 क्रिएट के अंदर 194 हम लोगों को मिल चुका है, तो देखते हम लोगों को और कितने चाहिए। तो अब तो ज्यादा नहीं चाहिए होंगे, देख लेते फिर भी टोटल कितने डायमंड जाते, फिर मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। तो अभी भी हम लोगों को चाहिए भाई बहुत सारे टोकन, मुझे लगा ज्यादा टोकन की जरूरत नहीं है, अभी 172 टोकन और चाहिए लॉल। तो वापस हम लोगों को 50 क्रेट यहाँ से लेने पड़ेंगे, तो 50 क्रेट वापस ले लेते 1650 का, और 50 क्रेट ओपन किए 183 निकल गया है भाई साहब जहर। तो अब तो सीधा मैक्स हो ही जाने वाला है, देख लेते फिर भी। तो हो चुका है गाइस हमारा यहाँ से लेवल 7 का, यस 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 बिल्कुल ही हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको करते हैं अपग्रेड, और बाकी जितने बचेंगे उसको हम लोग यूनिवर्सल टोकन बना लेंगे। तो ये हो चुका हमारा लेवल 7 का MP40। सबसे पहले न्यू लुक देख लो, क्या लुक है भाई, एक नंबर लुक। साथ में ये देखो मुझे इमोट भी मिल चुका है, इमोट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आप लोग ये लुक देखो, और मैं आपको अब बाहर जाके दिखा देता हूँ वेपन के अंदर, कि वेपन के अंदर कैसा दिखता है। तो MP40 कहाँ है, तो मेरे पास MP40 की कोई कमियां नहीं थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 16 MP40 जिसके अंदर से ये देखो, ये मुझे पड़ी थी लगभग 4-5000 डायमंड की, 300 प्रोजेक्ट। ये भी महंगी है, आप लोग जाके देख लेना इसका इवेंट के अंदर से कैसे मैंने निकाला है, बहुत महंगा है। साथ में पोकर की तो सभी है, ये भी देख लो पोकर MP40 भी है, ब्लेजिंग हार्ट वाली भी है। तो और तो कोई भी काम की नहीं है, मेरे पास 3-4 अच्छी है, एक ये और ये मेरे पास लेवल 7 का हो चुका है। सबसे पहले आप लोग देख लो इसका इमोट की बात करें, तो इमोट भी हम लोगों को मिल गया होगा ना, ये इमोट बिल्कुल ही मिल गया होगा। ये रहा इसका इमोट, ओ भाई क्या मस्त इमोट है। तो किसकी जगह इसको इक्विप करें, तो कोई तो निकालना पड़ेगा तभी जाके इक्विप होगा। तो शॉटगन का निकाल ले क्या, ये रोज वाला निकाल लेते, ऐसे भी सिंगल ले तो वो कोई काम का नहीं है। तो ये लगा लिया, और ये देखो इमोट जहर भाई साहब एक नंबर, ये देखो हाथ में MP40 आएगा। तो मेरा डायमंड की बात करें, तो डायमंड मेरे अभी जो लगे वो मेरे 14000 से शुरुआत हुई थी, 8000 पे आके रुक चुका, मतलब 6500 मुझे अभी लगे और 6500 जैसा पहले लगा था। टोटल जो मेरे डायमंड गए वो आप पकड़ के चलो 13 से लेके 14000 के बीच में। तो 14000 डायमंड की रियल लाइफ की बात करें, तो 14000 डायमंड हम लोगों के जो पड़ेंगे वो पड़ेंगे 5000 डायमंड हम लोगों को मिलते हैं 4000 के, उसी हिसाब से 13 से 14000 मेरे रियल रुपीज लगे है। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ MP40 मैक्स करने पे। तो
ऐसे तो मैंने MP40 भी मैक्स किया, इसका मैं आपको गेम प्ले थोड़ा दिखा देता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। साथ में शॉर्ट गन भी मैक्स किया, AK-47 भी मैक्स किया, तो मेरा लगभग गरीना फ्री फायर के अंदर 5 लाख राउंड का तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मेरे पास जो कलेक्शन है वो भाई बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ डैमेज कैसा पड़ता है, तो देख लो गाइस 27 का डैमेज पड़ रहा है बॉडी, और साथ में कभी कभार 20 भी देता है, हेडशॉट 148 का भी लग रहा है, तो सब कुछ रैंडम लग रहा है। तो एक बार इन गेम जाके टेस्ट करते कि कैसा लगता है। तो रुको रुको, इसके एटीब्यूट्स नहीं होगी, इसके अंदर एटीब्यूट्स तो सब है भाई, तो फिर क्यों नहीं चल रहा है, तो कुछ खास डैमेज नहीं दे रहा है। इन गेम जाके देखते लेवल 2 के साथ कितने का डैमेज देता है। और ये गेम प्ले से जज मत करना, क्योंकि पीसी से मैं खेल रहा हूं, तो गेम प्ले हो सकता है थोड़ा नुबड़ी जैसा हो। अच्छा हेड तो अच्छा गया, पहला हेड मेरे लिए अच्छा था, ओके गुड, ठीक है, मतलब उतना खास भी नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। ओके भाई निकल, अबे ये कौन लगाता है। तो MP40 मैक्स करने का कोई तो फायदा हुआ भाई, सच बताऊँ ना पीसी से मैं तो किल ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ भाई मैंने किल करके दिखाया आप लोगों को, मतलब अच्छा है, एक और किल हो गया। ओके भाई इसको भी ऐड है, ओ भाई अच्छा चलता है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा है इसका मेरे, लेकिन अब देखो कूट दिया यार। तो अच्छा कह सकते हैं MP40, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मेरे डायमंड मैंने आप लोगों को काउंट करके दिखा दिए, बाकी और दो गन मैंने मैक्स किया था, एक किया था M1014 और साथ में AK-47, तो सब कोई खर्चा तो चलता ही रहते हैं, रेगुलर गेम खेलते हो तो खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पे टू विन है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।